करिश्मा चौहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लौकी के पकोड़े बनाने की रेसिपी लाई हूँ। लौकी के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक लौकी लिया और 4 चम्मच मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया, जिसे हम मक्के का आटा बोलते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चावल के आटे का भी यूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कटा हुआ हरा धनिया लिया है और भुना हुआ जीरा पाउडर है 1 चम्मच, और 1 ही चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है, और 1 चम्मच हमें यहाँ पे साबुत जीरा लेना है, और नमक हम टेस्ट अनुसार डालेंगे, और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे रॉक सॉल्ट लिया, जिसे बहुत से लोग सेंधा नमक भी बोलते हैं, और थोड़ा सा अदरक का पेस्ट है यहाँ पे, और 1 कप के करीब बेसन लिया है, और 1 ही चम्मच मैंने यहाँ पे गरम मसाला यूज किया है, और हमें चाहिए 1 प्याज और 2 चुटकी हमें चाहिए हींग। तो सबसे पहले हम लौकी के दोनों किनारों को काट लेंगे और इसे हमें छील लेना है। तो हमने यहाँ पे लौकी को अच्छे से छील लिया है, तो अब हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो अब हम अपनी इस लौकी को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। लौकी को ग्रेट कर लिया है, तो अब हम लौकी के साथ ही ये प्याज भी ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो प्याज को एकदम बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हैं। तो अब हमने प्याज को भी ग्रेट कर लिया इसके साथ में, तो अब हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकालेंगे। इसके लिए हमें इसका छोटा सा पार्ट लेना है और दोनों हाथों से दबाते हुए पानी निकालना है। अब मैंने यहाँ पे लौकी और प्याज का जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दिया है। तो जब भी आप भी बनाएं लौकी के पकौड़े तो ध्यान रखें आपको ये पानी निकालना है, नहीं तो आपके जो ये पकौड़े हैं उसकी कंसिस्टेंसी सही नहीं बैठती है। तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले 1 कप के करीब बेसन डालेंगे। उसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। उसके बाद हम इसमें जीरा डालेंगे। अब हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हमें यहाँ पे स्वाद अनुसार डालना है, क्योंकि हमने पहले भी इसमें सेंधा नमक डाल दिया, तो मैं इसमें 1/2 चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ। तो अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, इसमें हम अदरक का पेस्ट डालेंगे, उसके बाद हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, और उसके बाद हम इसमें 2 पिंच के करीब हींग डालेंगे। तो अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और पकौड़ों को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल चढ़ा दिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पार्ट डालकर देख लेते हैं कि हमारा तेल आया है या नहीं। हमारे तेल में बबल्स उठ रहे हैं, मतलब ये पकौड़े तलने के लिए तैयार है तेल। तो अब हम अपने पकौड़े तलेंगे। थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर इसमें डालते रहेंगे। Thank you.
आप थोड़ी थोड़ी देर में पलट लेंगे। अब हमारी ये बन गए हैं, तो इनका कलर भी कितना अच्छा है आप देख सकते हैं। तब हम इन्हें निकाल लेंगे। और बारिश के मौसम में आप बहुत कम समय में बना के खा सकते हैं इन्हें। तो अब हम हमारा दूसरा बैच में निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम ज्यादा हाई ना रखें क्योंकि आपके पकौड़े जल भी सकते हैं। हम इसको भी थोड़ी देर पकने देंगे। हमारी इन पकौड़ों को भी बनते हुए 15 से 20 सेकेंड हो गए हैं, तो अब हम इन्हें 2 से 3 सेकेंड और पकने देंगे, उसके बाद हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। और इनका कलर भी हल्का आ गया है। और हमारे पकोड़े खाने के लिए तैयार है।